हार का पति को तंग करेगी तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। किसी भैंस को जब मैं देखता हूँ नजर उतारो मिर्चैया से सैया ऐसे ना बहको। मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट से रिटायर हुए या महिलाओं से। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाह भाई वाह। एक ने एक को कहा यार ये औरतों के दिमाग को आज तक कोई समझ नहीं पाया, तो जोर जोर से हंसने लग गए। इतनी गंभीर बात में हंस रहा है, उसकी हंसी नहीं रुक रही। एक ने कहा दूसरे को ये औरतों के दिमाग को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अरे हंस कर औरतों का दिमाग होता है क्या? ये उसने कहा था, आप इसे मेरा वाक्य ना समझें, ये मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो दिमाग वाली औरतें देखी हैं मेरी जिंदगी में, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं वो कह रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगले की मर्जी है, कुछ भी कहे, भारत एक आजाद देश है। लेकिन दिमाग को कोई पकड़ नहीं पाता है, बात तो सही। जैसे एक महिला पेंटर से अपना चित्र बनवा रही थी, टाइटैनिक नहीं, तो जब चित्र बन गया बैठी तो उसे पेंटर का अच्छा काम करो, इसमें जो है ये हमारे बीमार रहते हैं आजकल, एक इसमें नवलखा हार भी बना दो। बोला आपने पहना तो है ही नहीं। हम कह रहे ना बना दो, पर कुछ देख के तो बनाऊंगा कैसे, अपनी कल्पना से बना दो, अपनी इच्छा से बना दो, बस बना दो। और तो दिमाग को पढ़ नहीं सकता, तो पेंटर ने पूछा क्यों बनवा रही हो सर नवलखा हार? नहीं हम कहा बीमार रहते हैं, हमें मालूम थोड़े दिन में निकल लेंगे, और जब जाएंगे हमारा आदमी मानेगा नहीं, दूसरी शादी करेगा, और जब नई बीवी आएगी ये फोटो देखेगी, सारे घर में ढूंढेगी, नवलखा हार का पति को तंग करेगी, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। कुल मिलाकर बड़ा मुश्किल है दिमाग को पढ़ पाना। इंसानी दिमाग जो है बड़ा कमाल का होता है, इसे पढ़ पाना आसान नहीं होता। और कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का कुल जमा 0.001% भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो दुनिया के बड़े से बड़े जीनियस हुए वो भी कुल मिला के 1-2% इसका प्रयोग करते होंगे, लेकिन ये लोग अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके जहन में जब ख्याल आते हैं इसे कलम की नोक पे लाते हैं, कलम की नोक को पे जब अक्षर बनते हैं तो वो अक्षर ये रख देते हैं कागज पे, पृष्ठ पे, उन अक्षरों से बनते हैं शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य विन्यास से बड़ा खूबसूरत उद्भव बन जाती है कविता। और ऐसे ही 3 कवि हमारे साथ में बैठे जो हमारे इस मंच पे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ उनका, जो वाह भाई वाह के मंच पे पहली बार आई हैं, और पहली बार जब इन्हें कभी जिंदगी में स्वप्न में नहीं होगा कि वाह भाई वाह से इनके पास फोन आ सकता है। बिहार में रहती हैं पटना में, और पटना में लता सिन्हा जी के पास जब मेरे सचिव ने फोन किया, ये तो पता नहीं, अच्छा मेरे को आना है, हाँ मुझे आना है, मैंने कहा हाँ आप ही को आना है। और ये है लता सिन्हा, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। लता सिन्हा के पास ये जो आदमी बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, ये मालेगांव से हमारे बीच में आते हैं, और बहुत वर्ष पहले एक टेलीविजन शो में जब सुंदर मालेगांवी को मैंने प्रस्तुत किया था, उसके बाद ये बड़े स्टार बन गए। आज हमारे साथ है सुंदर मालेगांवी, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये मेरा बड़ा प्रिय अनुज, और देश की रोज की और उमंग की बात करने वाले इटावा से हमारे बीच में आते कमलेश शर्मा, जोरदार तालियों से। अब चूंकि महफिल की शुरुआत बड़ी सुंदर होनी चाहिए, तो हमारे साथ सुंदर मालेगांवी, जोरदार तालियों के साथ बुलाइए। प्रेमिका की बात कर रहे थे, मैंने 4 लाइन लिखा है मेरी प्रेमिका पर। अच्छा, तकिया चादर भिगो रही होगी, हाय हाय, तकिया चादर भिगो रही होगी, और ना यादों में रो रही होगी, और ना यादों में रो रही होगी, करके अपलोड वीडियो अपनी, करके अप
अपलोड वीडियो अपनी, यार मेकअप वो धो रही हो। यार मेकअप वो धो रही हो, यार मेकअप वो धो रही होगी। एक मतलब दो शेर और सुनाता हूँ आपको, मतलब सुनाता हूँ जब भी मैं किस्सा तुम्हारा, सुनाता हूँ जब भी मैं किस्सा तुम्हारा, सुनाता हूँ जब भी मैं किस्सा तुम्हारा, मुझे काट लेता है कुत्ता तुम्हारा, है कुत्ता तुम्हारा। सुनाता हूँ जब भी मैं किस्सा तुम्हारा, मुझे काट लेता है कुत्ता तुम्हारा, बनाया है जिसने दीवाना तुम्हारा, है, है, बनाया है जिसने, बनाया है जिसने दीवाना तुम्हारा, बनाया है जिसने दीवाना तुम्हारा, अदाएं नहीं वो है पैसा तुम्हारा, इसी नाम पर है ये बंगला तुम्हारा, नाम ये बंगला, क्या बात है। तेरे नाम को क्यों न चूमूंगा जानम, तेरे नाम को, तेरे नाम को क्यों न चूमूंगा जानम, इसी नाम पर है ये बंगला तुम्हारा, ये बंगला किसी भैंस को जब भी मैं देखता हूँ, किसी भैंस को जब, क्या कहा, किसी भैंस को जब भी मैं देखता हूँ, बहुत याद आता है चेहरा तुम्हारा, कॉन्फिडेंस। सुंदर का आप चेहरा देखो, हालचाल देखो, और उसके बाद ये शेर कहते हैं, किसी भैंस को जब मैं देखता हूं बड़ा याद आता है चेहरा तुम्हारा। अरे सुंदर, जिंदगी में हमेशा सच बयां करो, और भैंस को देखो तो घर में आईना भी रखा करो। ये सुंदर मालेगांव जो बड़े कमाल के मजाइया शायर है, मालेगांव से हमारे बीच में आते हैं, मुझे बड़े पसंद आए, मैं बुलाता हूं उन्हें, जो पहली बार वाह भाई वाह के मंच में हम उन्हें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो यूं तो हाउसवाइफ हैं, एक जमाने में एक उद्घोषिका हुआ करती थी रेडियो पे, और फिर उन्होंने काम छोड़ दिया और वो हाउसवाइफ है, लेकिन हास्य कविताएं लिखती है। बहुत कम महिलाएं होती है जो हास्य कविताएं लिखती हैं, हास्य कविताएं लिखना आसान काम नहीं होता। हमारे बीच में आ रही है लता सिन्हा पटना से। परेशान कर रहे थे एक बार ऐसे ही बच्चे, तो मैंने उनको कैसे हड़काया, बौर आया क्यों फिरता है पगले दीवानों जैसा, मैं क्या कहीं से तुझे कुंवारी लगती हूँ। मतलब आप फिर ये कहिए ना कि मैं बच्चा नहीं था, वो कोई वो पीछे पीछे कोई घूम रहा था आपको छोड़ा छाड़ी कर रहा हो। बिल्कुल बौरा या क्यों फिरता है पगले दीवानों जैसा, मैं क्या कहीं से तुझे कुंवारी लगती हूँ, अरे तेरे जैसे दो दो बिगड़े नवाबों की हूँ मैं, पर सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ। बड़े बड़े
लंपटों की आरती उतारी मैंने, चप्पलों से तुझे क्या पुजारी लगती हूँ? रोड छापे छोकड़ों के छक्के भी छुड़ाए मैंने, रोड छापे छोकड़ों के छक्के भी छुड़ाए मैंने, डील डॉलर देखा नहीं भारी लगती हूँ। आगे पीछे दसियों घुमा के जो रपट फेंके, आगे पीछे दसियों घुमा के जो रपट फेंके, तुझे क्या कहीं से मैं अनारी लगती हूँ? चल पप्पू पतली गली को तू पकड़ चल, चल पप्पू पतली गली को तू पकड़ चल, क्योंकि दादागिरी में बिहारी लगती हूँ। बंद कर हरकत ऐसी तैसी दूंगी कर, अबे बंद कर हरकत ऐसी तैसी दूंगी कर, अरे रुक बेटा अम्मा मैं तुम्हारी लगती हूँ। पर सोले आने सही कि मैं प्यारी लगती हूँ। आगे पीछे दस घुमा के फेंक दिए, क्या बात है। अब इतनी प्यारी लगती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक जगह कॉन्फिडेंस लूज होता है, जब एक अरमान लेके एक लेडीज बैठती है कि उसका पति उसको कभी लव यू नहीं बोला। मैं सोच रही थी कि मुझे मेरे पतिदेव ने इतने दिन शादी के हो गए मुझे लव यू नहीं बोला, तो एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे आवाज आई लव यू की, मैं चौंक गई और भड़क पड़ी इन पे। पर भले लव यू बोला नहीं हो, पर वो जो दो बिगड़े नवाब वो कहीं डाउनलोड थोड़ी किए कहीं से। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह क्या पीकर आए देख के मैं गुर्राई थी, सुबह सुबह क्या पीकर आए देख के मैं गुर्राई थी, ये लव यू की आवाज कहीं कानों से जब टकराई थी। अच्छा, ये लव यू की आवाज कहीं कानों से जब टकराई थी, कब से रटा रटा करके तोते की माफिक हार गई, कब से रटा रटा करके तोते की माफिक हार गई, बस उनसे लव यू सुनने की चाहत मुझको हाय मार गई। बस उनसे लव यू सुनने की चाहत मुझको हाय मार गई। आज भला सूरज पश्चिम से कैसे निकला है देखो, मैं नजर उतारू मिर्चैया से सैया ऐसे ना बहको, मैं नजर उतारू मिर्चैया से लव यू बोल दिया, बड़ी बात है हाँ। सैया ऐसे ना बहको, वह जोगनिया है नई पड़ोसन, वो जोगनिया है नई पड़ोसन, कब से नजर गड़ाई थी, ये लव यू की आवाज मेरे कानों से जब टकराई। सुंदरता में मेरे टक्कर की दिखती है एक नहीं, लेकिन मेरी नई पड़ोसन ठीक ठाक पर नेक नहीं। सुंदरता में मेरे टक्कर की दिखती है एक नहीं, लेकिन मेरी नई पड़ोसन ठीक ठाक पर नेक नहीं, हंसी ठिठोली करती कल जादूगरनी घर आई थी। अच्छा, हंसी ठिठोली करती कल जादूगरनी घर आई थी, ये लव यू की आवाज तभी कानों से भी टकराई, लव यू की आवाज तभी कानों से भी टकराई थी, झाड़ फूंक कर जैसे भी इकलौता पति बचा लूंगी, झाड़ फूंक कर जैसे भी इकलौता पति बचा लूंगी, धमकाऊंगी जो देखा तो मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी, धमकाऊंगी जो देखा तो मैं दूजा ब्याह रचा लूंगी। अब की धमकी काम कर गई, ऐसी तीर चलाई थी कि लव यू की आवाज कहीं कानों से तो टकराई थी। आज अनोखापन ऐसा फूलों का गजरा लाए थे, आज अनोखापन ऐसा फूलों का गजरा लाए थे, टांक दिया उलझे वालों में लव यू क्या शर्माए थे, टांक दिया उलझे बालों में लव यू क्या शर्माए थे, बोले पगली तू ही तो मेरी हेमा रीना राय थी, बोले पगली तू ही मेरी हेमा रीना राय थी, ये लव यू की आवाज तभी कानों से तो टकराई थी। बहुत बढ़िया।
ये तो लता सिन्हा, तुमने कहा कि लव यू, तुमने धमकी दी कि दूजा प्यार अच्छा लूंगी, तो वो लाइन पे आ गए, सीधे शरीफ पति होंगे, वरना एक पति को वैसे ही पत्नी ने धमकी दी कि दूजा प्यार अच्छा लूंगी, ये बाद में मुकरेगी तो नहीं ना। लेकिन आपकी पड़ोसन ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से लव यू निकला, जरा पूछते हैं उनसे ही, जरा माइक दीजिए जरा भाई साहब को। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आप ही वही प्राणी हैं जिनसे ये लव यू सुनने के लिए बेताब रहती हैं। कौन है वो पड़ोसन? और कोई नहीं है। अरे आप क्या चाहते हैं, हम विश्वास कर ले इस बात पे हैं कि और कोई नहीं है? ऐसे नहीं, क्योंकि हम पहले भी महिला डिपार्टमेंट के ही अफसर थे। आप? हाँ, हमारे अंडर में 500 औरत ही रहती थी, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सीडीपीओ ही थे। आप महिला डिपार्टमेंट के अफसर थे? शुरू में वही अफसर थे। अच्छा, 10 साल तक तो वही महिला डिपार्टमेंट के ही। तो अभी अब क्या रिटायर हो गए? अब रिटायर्ड पर्सन है। तो मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट से रिटायर हुए या महिलाओं से? क्या कह रही है सरेआम? आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक, नाम तो बताइए सर। मेरा नाम मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव जी। मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव। मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव जी हैं आप, क्या बात है। तो ये लव यू आप कहते क्यों नहीं इनसे? सरेआम चलिए आज एक काम करते हैं, इन्होंने सारे देश में इतने सारे कैमरों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने कविता सुनाई है, आज कह दीजिए हमारी तरफ से कि लता लव यू, आई लव यू, ऐसा बोल दीजिए। लता आई लव यू। भाई कमाल ही हो गया आज के एपिसोड में। लता सिन्हा जो बिहार से आई हैं, और बिहार से तो हमारे शत्रु भैया हैं, वही हमें याद रहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत आदरणीय बड़े भाई हैं वो। अचानक मुझे याद आ गए, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, और आप वहां से आई तो अचानक मुझे याद आ गए। और अब मैं बुलाता हूं उसे जो देश की बात करता है और अपने खास अंदाज में बात करता है, कमलेश शर्मा जोरदार ताली। आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में इतना शानदार एपिसोड आज हुआ है। मैं कुछ हटके व्यंग गीत एक पढ़ना चाहता हूँ जी। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष इस देश की आजादी को हो गए हैं। मैं इशारों में एक व्यंग गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप। भुखमरी गरीबी जातिवाद, भुखमरी गरीबी जातिवाद, खूनी होली आतंकवाद, हिंसा का दावा नल दिखता, लालच में न्याय यहाँ बिकता, बेअर्थ हो रहे हैं चुनाव, मतदाताओं का मोल भाव, जनतंत्र बन गया है मजाक, राष्ट्रीय भावना हुई खाक, कुर्सी की होती खींचतान, नेताओं के झूठे बयान, पश्चिमी हवा का आज जोर, गांधी टोपी ले गए चोर, भारत की है दुर्दशा आज, भारत की है दुर्दशा आज, आदर्श स्वार्थ में सभी बहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे। देश के हालातों की इशारा करता हूँ, हमने 75 वर्ष में क्या प्राप्त किया है। कुछ लोग नित्य भूखे सोते, कुछ लोग नित्य भूखे सोते, कुछ के बारे न्यारे होते, कहीं श्वान दूध जी भर पीते, कहीं लोग अभावों में जीते, कुछ के घर में है उजियारे, कुछ के घर में बस अंधियारे, वंचित है अभी बहारों से, वंचित है अभी बहारों से, हम चले गए हैं नारों से, है असर नहीं फरियादों का, झुंझुना झुंझुना मिला है वादों का, हम सब ने इतने सालों से, हम सब ने इतने सालों से है भेद
भेदभाव के दंश सहे, अच्छा है गांधी कहीं रहे, अच्छा है गांधी कहीं रहे, अच्छा है गांधी। नेता हो या महंत काजी, कभी धर्म का निर्वाह करता हूँ मैं, नेता हो या महंत काजी, सब करते हैं सौदेबाजी, सत्ता के लिए ललकते हैं, सत्ता के लिए ललकते हैं, गिरगिट सा रंग बदलते हैं, उनको उनको विधान बेमानी है, आंखों में शर्म न पानी है, कुछ चोर उचक के हत्यारे या चंबल के डाकू सारे, जिनके कुकर्म से नाते हैं सदनों में शोभा पाते हैं, गौरव गरिमा से हीन सदन अब तो मछली बाजार भए, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या बात है कमलेश शर्मा, एक बेहद सार्थक कविता आपने सुनाई, अच्छा है गांधी नहीं रहे। लेकिन हम निराश क्यों हो, ये दौर आशावाद का है, ये दौर आगे बढ़ने का है, ये दौर सूरज की ओर देखने का है, उससे आंख मिलाने का है, उजालों को अपनी आंखों में भर के सारी दुनिया में फैलाने का है। और निश्चित तौर पे 140 करोड़ लोगों का देश जब अपनी चेतना के स्वर में एक साथ बोलता है और जय के नारे लगाता है इस भारत माता के, इस धरती माँ के, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश फिर हमारी चेतना के आगे खड़ा नहीं रह पाता, सुप्त हो जाता है, झुक जाता है। ये देश सदियों से, दुनिया आएगी चली जाएगी, लेकिन भारत था, भारत है और भारत रहेगा। बस इसी मोड़ के साथ कहते हैं वाह भाई वाह।